नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में चर्चा करेंगे यहां पर आज के राशिफल की, कमोडिटी बाजार की और शेयर बाजार की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज के आपके राशिफल से कि आज आपका दिन कैसा रह सकता है, मुनाफा कमाने की स्थिति में है या नहीं। और राशिफल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। अग्निपथ की तीन राशियां एक सिंह धनु राशि, आपके लिए दिन आज संभवतः मुफीद न रहे, परेशानियां बढ़ सकती है, सावधान रहें। 2, 6, 10 यह है राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 3, 7, 11 यह है वायु तत्व की राशियां, यानी मिथुन और कुंभ राशि, आप दिन अच्छा रह सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, ध्यान रखिए। 4, 8, 12 यह है जल तत्व की राशियां, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, दिन मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रहा है। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, देख लीजिए। ठीक है नजर जी, ये से कर्नल अजय जी बात करें, अगर आप कमोडिटी बाजार में एग्री कमोडिटीज की, कृषि फसलों की, तो आज मसालों में क्या लग रहा है आपको? मसालों के अंदर देखिए, क्योंकि मसाले में चाहे जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, इनमें बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की दी थी, तो अभी ये टेम्पररी फेज के अंदर मुझे लगता है कि कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन जो भी कारोबारी है ट्रेडिंग के अंदर वो थोड़ा सा बच के चले तो बेहतर रहेगा। तो ये जी कन्हैया जी, बात करें यहाँ से अगर कैसर सीड की, तो कैसर सीड में क्या लगता है? हम कैसर को 7700 तक तो NCDX पर कारोबार करता देख चुके हैं, फंडामेंटल साइड से भी मजबूत ही नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा माना जाए कि अब कैसर के जो लेवल्स हैं वो बढ़ने वाले हैं? देखिए, कैस्टर सीड के ऊपर फंडामेंटल इसके मजबूत है और मुझे लगता है कि इसमें आज मजबूती की संभावना बनी रह सकती है। और जो खासकर इंटरडे ट्रेडर है उनको यही सलाह दी जाती है कि देखिए कि इसमें, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग और फिजिकल ट्रेडिंग के अंदर बहुत फर्क है। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कहीं की जो मंथली कटिंग होती है या सेटलमेंट डे होता है, फिर साथ साथ में सौदे कम ज्यादा, तो और फिजिकल ट्रेड के अंदर एक अलग सिस्टम होता है। तो जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनको मुनाफा मिल जाएगा, उनको उसमें मुनाफा वसूल करना चाहिए, तो और कस्टमर के अंदर तेजी की संभावना बनती है। जी कन्हैया जी, कृषि फसलों में देखा जाए तो पहले से कुछ कृषि फसलों की जो प्राइजेज हैं वो बढ़ी हैं, किसी किसी में घटी हैं। सोइंग और प्रोडक्शन भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी इस बार कहीं ना कहीं काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है पहले के मुकाबले। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में खाद्य, ये जो कृषि फसलें हैं इनका आउटलुक क्या है, किस कृषि फसल का जो रिजल्ट है सबसे अच्छा रहा है और किस कृषि फसल का जो रिजल्ट है वो मीडियम या लो रहा है? देखिए, बड़ा अहम सवाल पूछा है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और किसानों ने भी अपना रोल बहुत अच्छा अदा किया है कि फर्टिलाइजर के दामों में बेताशा तेजी होने के साथ कृषि फसलें बहुत अच्छी हुई हैं और हम भी अच्छा मिला है। यदि और यदि हम देखें, चाहे वो कृषि उपज में, चाहे आप आलू हो, प्याज हो, यदि आलू प्याज की तरफ भी देखें तो जो आलू है पिछले 5 साल में 70% की तेजी दिखाई है और देखी गई है। टमाटर के भाव लगभग 200% तक पिछले 5 साल में बढ़े हैं। और जहां तक उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जो आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों के में जो विज्ञप्ति जारी है उसके मुताबिक देखें तो चावल के अंदर लगभग 50-25% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं गेहूं की कीमतें इस दौरान 26% बढ़ी है, जिसमें इस साल की तेजी शामिल है। अभी 5 साल पहले यदि हम इसका मतलब ये हुआ कि जो गेहूं का दाम था वो आज 125 रुपए, यदि 100 रुपए में देखता गेहूं 125 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में चीनी एक ऐसी कमोडिटी रही जिसने गिरावट दर्ज की, तो इसका तो लगभग 3% का हिसाब जो है वो गिरावट है 0.3, और के अंदर 40% की तेजी पर रही है। यदि हम मूंगफली का तेल देखें, 180 रुपए की बढ़ा, सरसों का
है कि इतनी तेजी होने के बावजूद चना और चीनी दोनों परेशान है। चने के दाम यदि हम देखें, चना का दाम 15% की गिरावट पे है। यदि हम देखें कि गिरावट है, मतलब चीनी और चना दो ऐसे कमोडिटी है। महत्वपूर्ण यह है कि जब दाम 85% बढ़ गए, किसी में 60% बढ़ गए, किसी में 40% बढ़ गए, और दालों के अंदर यदि हम देखें अरहर दाल 22% बढ़ी है, उड़द दाल 8% बढ़ी है, मूंग दाल 28% बढ़ी है, मसूर दाल 32% बढ़ गई, तो इसके बावजूद भी समस्या यह है कि आप की जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी रुपया लगातार गिरावट की ओर है, 78 रुपए का बढ़ा है, कि मतलब दाम बढ़ने के बावजूद भी किसान व्यापारी या उपभोक्ता को राहत नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। और यही वजह है कि इन्फ्लेशन को जब तक काबू नहीं किया जाएगा, जब तक उत्पादन नहीं बढ़ाया जाएगा, खाली इंपोर्ट ड्यूटी में कमी बेची करना या इंपोर्ट ज्यादा कम की करना, यदि आपका रुपया लगातार तेजी से गिर रहा है तो आपको इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इधर शेयर बाजार में देखिए, आप लगभग पिछले 8 सालों में शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जो निवेश किया था वो लगभग 220 लाख करोड़ का किया था, और पिछले 8 महीने में लगभग 2.18 लाख करोड़ की, यानी 32 अरब डॉलर की शेयरों की उन्होंने बिकवाली की। यानी 8 सालों में जितना निवेश किया था वो 8 महीनों में उन्होंने पूरा निकाल लिया वापस। और यही वजह है कि बाजारों के अंदर ऐसी स्थिरता नहीं आ रही है। तो इसका मेन मकसद यही है कि दाम यदि बढ़ रहे हैं तो साथ साथ में महंगाई पर भी आप नजर रखिए। यदि महंगाई यदि बढ़ती जा रही है तो दाम बढ़ने का लाभ ना तो किसानों को मिल रहा है, ना ही वो लाभ व्यापारियों को मिल रहा है, और उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये आंकड़े आप पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि महंगाई दर कम की जाए और उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाए। अब जो सरकार ने फौरी तौर पे जो प्रयास किए हैं जो पिछले 2-1 महीने में, कि एक तो सीआरआर रेट बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ये चीजें 6 महीने पहले, साल भर पहले करनी जरूरी थी। जो आप बिल्कुल किनारे पे आपके, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा तब ये आप स्थिति कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार तेजी में थे, अब आपने पेट्रोल डीजल के दाम जब आपके पास किनारे पे आ गए, जब आप कर रहे हैं, लेकिन इसका असर आने में टाइम लगेगा। एकदम से कोई निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा। तो ये एक लंबी अवधि की चीजें हैं और उसको टाइमली डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से यूरोप बड़ी परेशानी में है। तो हमारा जब इतना बड़ा देश है तो इसके अंदर जो नीतिगत फैसले हैं वो समय पे होंगे, तभी उपभोक्ता को फायदा राहत मिलेगी, अदरवाइज कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, यहीं से कन्हैया जी, हमने हाल ही में सरकार के कुछ फैसले आते हुए देखे निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में। जैसे कि सरकार ने सबसे पहले गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, फिर चीनी के निर्यात पर। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से अब अगली वो कौन सी कमोडिटीज होंगी जिन पर सरकार निर्यात का प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए, अगली जो निर्यात के पर जो प्रतिबंध लगने की संभावना है वो सफेद वस्तुओं में हो सकती है। वो कॉटन भी हो सकती है और चावल भी हो सकता है, क्योंकि कॉटन के अंदर यद्यपि सरकार ने एक विज्ञप्ति जो जारी की थी 13 अप्रैल को कि कपास के आयात पर 30 सितंबर तक के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है 30 सितंबर तक, लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित है क्योंकि कपास के दाम लगभग दुगने हुए हैं। इससे जितने भी धागा मिल बनाने स्पिनिंग मिल्स हैं, साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनको बड़ी परेशानी हुई, और उसको परेशानी का सबब यह हुआ कि दाम डबल हो गए, इनसे एक्सपोर्ट महंगे हो गए। और लेकिन ये जो तेजी थी
कॉटन की, वो तेजी कॉटन की भारत तो कॉटन के उत्पादन में कमी, और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चर्चा थी कि वो गुलाबी सूंडा यानी पिंक बॉम्ब लगने से क्वालिटी कॉटन के ऊपर लगभग 60-70% फसलों को उसका इफेक्ट आया। उससे बढ़िया क्वालिटी के कॉटन जो है वो बिल्कुल कम हो गई और बाजारों में उसके दाम डबल हो गए। लेकिन ये हमारे यहाँ ही नहीं है, ये पूरे विश्व में है जी। और जिसका खुलासा हमने टाइम से पहले भी किया था, आपको याद हो सितंबर साल 2021 में भी किया था, उसके बाद लगातार हम हर महीने आपको कॉटन पे अपना रुख देते आ रहे हैं, जो सही साबित हो रहा है। लेकिन अब इंपोर्ट यदि हम लोग करते हैं, निर्यात पे तो कोई सवाल नहीं है, इंपोर्ट भी अभी क्योंकि ड्यूटी हटा चुकी है तो इंपोर्ट करने में किसी को एतराज नहीं है। आप करिए निर्यात के ऊपर भी की हालत ये है कि किसान जिनके पास अच्छी क्वालिटी का माल है कॉटन, वो देने को तैयार नहीं है। और तो और मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव आप किसी को जबरदस्ती माल बेचने के लिए कर सकते हैं। उनका अपना माल है, अपने तरीके से वो माल बेचेंगे। चावल के अंदर भी 24-25% की जैसे अभी हमने आपसे चर्चा की उसमें रही है। अब मेन चीज ये है कि इंपोर्ट बढ़ाना घटाना रोक लगाना ये एक स्थायी समस्या का हल नहीं है। स्थायी समस्या का हल ये है कि आपको अपने निवेश बढ़ाने पड़ेंगे, नीतिगत फैसले सही लेने पड़ेंगे। और जैसे कल के इंटरव्यू के अंदर भी हमने आपसे निवेदन किया था कि सरकार को एक निश्चित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इतना प्रतिशत एंटीआईटी प्रोडक्शन बढ़ता है तो इतना प्रतिशत एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, इतने से ऊपर यदि दाम बढ़ते हैं तो इसके लिए इंपोर्ट किया जा सकेगा उसमें, तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहेगा तो उसके हिसाब से व्यापारियों को भी फायदा रहेगा, उपभोक्ताओं को भी फायदा रहेगा। अब जैसे गेहूं के ऊपर निर्यात के ऊपर उन्होंने रोक लगी, एक दिन पहले तक सुबह तक सरकार गेहूं के निर्यात को प्रमोशन की बात कर रही थी, रात को एकदम से मौका आया कि आप नहीं लगा सकते। फिर ये नई विज्ञप्ति आई कि 13 मई तक जिसके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, जिनके सौदे हो गए हैं, उनको इंपोर्ट की एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाएगी। अब व्यापारी जिसने माल खरीद लिया ऊंचे दाम में और यदि वो नहीं बेच पाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यदि अफरा तफरी से बाजारों के अंदर पैनिक होता है और उस पैनिक को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी नीति बिल्कुल स्पष्ट हो। कुछ नीति स्पष्ट होने से व्यापारी या उपभोक्ता या किसान उनको आइडिया होगा कि भाई हमें यहाँ पे उत्पादन करना है, इस वस्तु का उत्पादन करना है। और ये और दूसरी चीज मौसम विज्ञान, मौसम विभाग की पिछले साल की सारी चीजें गलत साबित हुई। उन्होंने कहा था जुलाई अगस्त में औसत से अच्छी बरसात होगी जबकि 30% माइनस में हुई, सितंबर अक्टूबर के अंदर 30% प्लस बरसात हो गई तो सारी फसलें दोनों तरफ से परेशान हुई, पहले सूखे के मार से मरे फिर अधिक वर्षा से मरे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आ जाती है तो किसान और व्यापारी दोनों ही आक्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे समय के अंदर कुछ फौरी तौर पे इलाज करना चाहिए, फौरी तौर पर उनको सहायता या उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। जी कन्हैया जी, ये सर कन्हैया जी बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो देख रहे हैं कि सोना चांदी का बाजार कभी तेजी की ओर रहता है तो उसके 2-3 दिन के बाद सस्टेन होने के बाद उसमें करेक्शन आ जाती है, तो ये जो उठापटक का दौर है ये कब तक ऐसे जारी रहेगा? देखिए उठापटक का जो दौर है वोलेटिलिटी, ये बाजार की फितरत है, इसके अंदर तेजी भी आएगी, तेजी के बाद मंदी भी आएगी, इसमें कहीं कोई दोहराव नहीं है। बेसिक चीज ये है कि जब भी इन्फ्लेशन, जब भी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट जैसे आप शेयर बाजार कहते हैं, उसमें फ्लक्चुएशन जितनी ज्यादा आएगी सोना के अंदर मूवमेंट उतनी ज्यादा बढ़ेगी। फिर भारतीय रुपया भी कमजोर हो रहा है तो आज तो निश्चित रूप से जितने भी बेस मेटल हैं या प्रेसिस मेटल हैं, सोना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके दाम ऑटोमेटिक बढ़ेंगे क्योंकि हमें इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जब भी वॉलिटिलिटी बढ़ती है, अनिश्चितता बढ़ती है, जियोपॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा असर गोल्ड के दामों पर पड़ता है और उसके अंदर मजबूती बनती है। जैसे जैसे उसके अंदर स्टेबिलिटी आती जाती है वो गोल्ड के दाम घटते हैं। तो ये एक सिंपल और फंडामेंटल तरीका होता है बुलियन को देखने के लिए। अब मुझे लगता है कि अभी इंटरडे के अंदर बुलियन के अंदर हो सकता है कि कमजोरी बन जाए, इसके अंदर अभी अभी कोई नहीं शॉर्ट करना चाहता है लेकिन खरीदारी से इसको बचना चाहिए। जी कन्हैया जी,
स्टॉक मार्केट कैसी रह सकती है? स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए वॉलेटिलिटी चालू हो गई है और उसके अंदर खासकर जो बैंक निफ्टी के अंदर शुरुआत में अच्छी तेजी थी, अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी को संभालने वाला सिर्फ एक दो दो बैंक थे, वो तो HDFC बैंक और ICICI बैंक, और बाकी जितने भी बैंक थे ज्यादातर जो बड़े बैंक हैं वो गिरावट देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी बैंक निफ्टी के अंदर हरा निशान है तो ये कभी भी इसमें गिरावट होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि निफ्टी के अंदर बाकी जो सेक्टर हैं चाहे ऑयल एंड गैस है या आपके सूचना एवं प्रौद्योगिकी है वो गिरावट की तरफ दिख रहे हैं, और जैसे निफ्टी के अंदर ये तीन सेक्टर ही निफ्टी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, तो कुछ सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कुछ स्टॉक्स हैं जैसे इंफोसिस है और ये थोड़े से तेजी है, CLTech है, ये थोड़े से तेजी है, मामूली तेजी दिखाई दे रहे हैं, तो लेकिन कुल मिला के बाजारों के अंदर कोई बड़ी तेजी की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारतीय रुपया भी करप्शन के मोड में आ गया है। जी कन्हैया जी, तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।